सवाल है कि आपकी अक्सरियत पूरी दुनिया आपको देख रही है, वो कहेंगे आज नहीं, मौका सही नहीं। अल्लाह ताला करी, देखिए मैं उस दिन मर चुका हूँ, मैं आपको बताऊं। और लानत है उन लोगों के ऊपर जो अपने आप को बड़े बड़े ईवानों में बैठे हुए बात कर रहे हैं, वो क्या मुझे सहारा देंगे। मैं तो सिर्फ इस बात के लिए अब जिंदा हूँ, इस गैरत के लिए जिंदा हूँ, इस कौम की गैरत की आवाज कि फिर किसी जज के कपड़े ना उतरे, किसी सेनेटर के कपड़े ना उतरे, किसी MNA के कपड़े ना उतरे, किसी सहाफी के कपड़े ना उतरे, किसी ताजर के कपड़े ना उतरे, किसी किसान के कपड़े और मजदूर के कपड़े ना उतरे। ये इमरान खान का सफाई तो इसलिए खड़ा है। और मैं अल्लाह की कसम खा के तो मैंने घर वालों से कहा है कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता करे, इसलिए इससे पढ़ के कोई, इससे पढ़कर कोई बेहतर मौत नहीं है, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसलिए कि जो रियासत का बड़ा, सबसे बड़ा है, सबका कानून से बाला तर, रियासत से बाला तर, आइन से बाला तर, यही कुछ करेगा जिसने अरशद शरीफ शहीद के साथ जो किया है पाकिस्तान के अंदर। सर इसके आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है, जो आपने दो आदमियों का नाम बताना है। अरशद शरीफ को, तमाम साफी बरादरी को, बल्कि पूरे मुल्क की नहीं, पूरी दुनिया की साफी बरादरी को अकीदत का सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अरशद शरीफ और आपकी कुर्बानी कबूल की और उसको शहादत नसीब की। सबसे बड़ी खबर यह है कि आज, कल से परसों से इमरान खान के साथ लगा हुआ था कि मुझे इजाज़त दें, उन दो गुंडों, दो बदमाशों के नाम में जो है अरशद शरीफ से भी उसके कदम पे इंशाल्लाह ताला पूरी कौम को बता दूं कि वो कौन है जिसने सिटिंग सेनेटर को जो है वो लेके गए। तीन नाम मैंने दिए इसलिए कि मुझे FIA, चूंकि FIR काटी थी, FIR जो है उन्होंने काटी थी, इसलिए। लेकिन ये बता दूं कि राणा सनाउल्ला का बाप मेरी तरफ नहीं देख सकता, ये मैं आपको बता दूं, इसलिए कि मैं कोई गैर कानूनी काम करता नहीं। दो और नाम है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि नाम मैंने लिख करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सुप्रीम कमांडर हैं अंडर आर्टिकल 243 आर्म फोर्सेस के, उनको मैंने दे दिया, इमरान खान को बता दिया कि ये वो नाम है। इसलिए कि जब मुझे मारा गया एक जगह के ऊपर, मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ, उस वक़्त जो उन्होंने नाम लिया था वो अल्लाह ताला ने उस वक्त मुझे होश दिया, और वो नाम जो है फिर मैं आके तहकीक किया है, वो दो नाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पहुंचा दिए हैं। इंशाल्लाह ताला कल अरशद शरीफ की जो है तदफीन होगी, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला वो दो नाम बाकायदा तौर पे आप सबके सामने बताऊंगा। इसलिए कि ये इतना नाजुक और हमारा सेंसिटिव मसला है, इसलिए मैं अपनी उन पोतियों को जिनके सामने तशद्दुद हुआ था, एक ट्यूशन पे थी दो को लेके आया, मेरी वाइफ और मेरी बहू जो है जो यहाँ की थी बैरिस्टर साहब की बीबी, वो लेके आया ताकि देखे कि ये आजम स्वाति पे नहीं, हर हक का आवाज़ बुलंद करने के ऊपर जो है एक ख़ास तबका, जो 1000 से ज़्यादा नहीं है पूरे मुल्क के अंदर, जिसने दांतों को जकड़ दिया है, अदलिया के निज़ाम को जकड़ दिया है, सारे मुल्क के ठेके उनके पास हैं, पूरे मुल्क के रियासत के वो हाकम हैं, कानून से बाला तर हैं, आइन से बाला, आपके कारोबारी हल्के, आपकी पार्लियामेंट, आपकी अदलिया मफलूज होकर रह चुकी है। इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह से वादा है कि अगर मैं जिंदा हुआ, और चूंकि वो दो नाम इस वक्त सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर हैं उनके पास पहुंच चुके हैं, आज सुबह मैंने उनको फैक्स भी किया, रजिस्टर पोस्ट भी किया, और इंश्योर किया कि वहां तक पहुंच चुके हैं। कल इंशाल्लाह ताला मेरा वादा है आपसे, मैं उनके नाम बताऊंगा खुदा का। एक कब बता अरशद शफीक के लिए, अरशद शरीफ साहब के लिए, शहीद के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन है? वो तो इस वक्त शहीद हो चुका,
ये तो जिंदा है, कोई ताकत है आपके अंदर? इस मुल्क के रियासत के कानून के अंदर कोई ताकत है कि आके मुझसे पूछ ले कि वो दो कौन है? वो तो अपनी जबान, अपनी कुर्बानी इस मुल्क के लिए, इसकी आजाद जमहूरियत के लिए और हकीकी इस आजादी के लिए अपनी कुर्बानी तो दे चुका, उससे तो आप नहीं पूछ सकते। ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सुने उसके खुरे इस्लामाबाद में, इंशाल्लाह ताला कल मैं बताऊंगा। स्वाति साहब आपके साथ तो ट्रेलर हो चुके हैं आप।